नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। प्रदेश में चुनावी रंग चढ़ा है, दंगल तो बीजेपी कांग्रेस के बीच होना है, लेकिन इन दिनों बागियों में बहार है। टिकट अभी बटे नहीं है तो सब चुप है। असली जंग शुरू होगी टिकट वितरण के बाद। एक को टिकट मिलेगा तो पांच बागी खड़े हो जाएंगे। विधायकी का सपना संजोए, या तो निर्दलीय ताल ठोकेंगे या विरोधी दल का थाम लेंगे दामन। दोनों स्थितियां बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएंगी और ऐसे में समय रहते ही दोनों सियासी दल संभावित बागियों को साधने में जुटे हैं, क्योंकि सियासी समर में बागी बिगाड़ सकते हैं सत्ता के समीकरण और वोटों की कड़ी। बागियों में बहार है, जी हाँ, बिग फाइट में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता हरीश यादव जी, बीजेपी नेता विकास सोमानी जी हमारे साथ, और साथ ही बीजेपी नेता मनीष पारिक जी भी है। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मनीष जी, देखिए अभी तो टिकट वितरण में वक्त है और जब टिकट बटेंगे तब देखेंगे कि किस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आती है, लेकिन बागी यहाँ पर गणित ना बिगाड़े, क्या कोई तैयारी अभी से की जा रही है? नहीं श्वेता, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। ये तो पक्की बात है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है जनरली वही बागी होते हैं, तो वो संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। अल्टीमेटली जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, दावेदार ज्यादा होते हैं, तो निश्चित तौर पर जिनको टिकट नहीं मिलता वो चुनाव लड़ने की बात करते हैं। ज्यादातर केसों में ऐसा होता है कि इतना ज्यादा प्रभाव हुआ नहीं होता है, क्योंकि उस आदमी की पहचान पार्टी से होती है। जब पार्टी का टिकट सिंबल उनके साथ नहीं होता तो वो पहचान कमजोर पड़ती है। जो उन सबको ऑर्गेनाइज करके कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म इस तरह से बनाए उनकी और वो काम करे, ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। और राजस्थान में वैसे भी तीसरे मोर्चे की संभावनाएं बहुत धूमिल हो रखी है। जो बसपा है या समाजवादी पार्टी है वो नाम मात्र के लिए चुनाव में प्रत्याशी खड़े करते हैं और उनको वो जमानत भी नहीं बचा पाते हैं। तो ऐसी दशा में बागियों के विषय पर कोई इक्का दुक्का सीटों पर समीकरण बदलने की बात अलग है, बाकी इन जनरल उनका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपको कहना। हरीश जी, अब अगर ये देखा जाए कांग्रेस की बात कर ली जाती है, देखिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसकी लहर होती है उसमें ज्यादा विरोधी खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने भी कहा था। अब ज्यादातर कांग्रेस जिस तरह से मानकर चल रही है सरकार उनकी आनी, और ऐसे में ज्यादा विरोधी और ज्यादा बागी नजर आ सकते हैं, क्या कोई तो रणनीति यहाँ पर बन रही होगी पहले से? जी, कांग्रेस की जो नीति है वो अब की बार सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को, क्योंकि जो मामला है हमारी खोई हुई सत्ता हमें प्राप्त करनी है, और ऐसी जो है तालमेल और परिस्थितियां हम बनाएंगे कि बागी ज्यादा खड़े ना होए, उनको समझाइश की जाए और संगठन को एकजुट होकर अगर हम अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि बीजेपी वर्तमान सत्ता में है और इसका मुकाबला करने के लिए हम पहले से तैयार है। हमारे अभी ऊर्जावान नेता जो है प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, वो जगह जगह हर तहसीलों में गए हैं और जिस प्रकार हमारी जनसभाएं हुई है, जन सैलाब, जन समर्थन जो कांग्रेस के पक्ष में जो मिल रहा है उससे हमें 100% कॉन्फिडेंस है कि हम लगभग 150 के आसपास सीटें जो है अभी आने वाले चुनाव में 2018 में हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी, ये हमारा दावा है। चलिए, यानी कि दावा है कि सरकार बनेगी और आप पूरी तैयारी से, और ये कह रहे हैं कि बागी नहीं आएंगे, यानी मैदान पे ज्यादा बागियों की स्थिति नहीं बनेगी कांग्रेस में, जैसा कि आप कह रहे हैं। मनीष जी, इससे पहले आपसे बात हो रही है, आपने कहा कि ये बहुत जल्दी होगा, इस पर कुछ भी कहना, लेकिन अगर हम 2013 की बात करें तो करीब एक दर्जन थे ऐसे कैंडिडेट जो बीजेपी से बागी हुए, निर्दलीय होकर चुनाव लड़के विधानसभा भी पहुंचे हैं। और अगर छात्र संघ चुनाव के परिणामों को देखा जाए, कहा ऐसा जाता है, माना जाता है कि जिस तरह के परिणाम आते हैं उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन विधानसभा में नजर आता है, जिस तरह से अब तक देखते आए हैं। इस बार क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। ऐसी स्थिति में क्या ऐसा नहीं लगता है कि अभी वक्त है, अगर कुछ नाराजगी है कुछ है तो उनको मना लिया जाए, सबको साथ कर लिया जाए, क्योंकि बाद में ना वक्त रहेगा ना कोई सुनने वाला होगा? नहीं, ये पक्की बात है कि जो सामान्य नाराजगी है और किसी विषय पे पॉलिसीगत नाराजगी होती है वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर श्वेता ये टिकट की नाराजगी होती है कि मुझे टिकट नहीं मिला किसी और को मिल गया, तो वो व्यक्ति बागी होता है, जो एक व्यक्तिगत एस्पेक्ट पर होता है, चुनाव लड़ने के मुद्दे पर होता है, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं। चलिए, लेकिन इस बात को खारिज, जिस तरह से आप कह रहे हैं इसको खारिज करूंगे मनीष जी, क्योंकि विकास जी, अगर जिस तरह से मनीष जी का कहना है कि ऐसा टिकट मिलने के वक्त होता है, तो फिर मानवेंद्र सिंह जी की नाराजगी को लेकर क्या कहेंगे? श्वेता जी, जिस तरह की बात है, 2013 में जब 200 सीटों में से 69 सीट को यह चिन्हित किया गया था कि यहाँ बागियों का कुछ प्रभाव रहेगा, उसके बाद उसमें 29 सीटें कांग्रेस की थी और 32 सीटें लगभग
जो भाजपा की थी, जहाँ इस तरह के वो एक बयानबाजी शुरू हुई थी कि यहाँ इस तरह का कोई प्रभाव रहेगा बागियों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की विचारधारा को समझते हुए जो 163 सीटें मिली, उससे इस बात को एक विशेष रूप से जाता है कि राजस्थान की जनता विचारधारा के प्रति समर्पित है, और राजस्थान में अगर कोई तीसरे बागिया किसी तरह के कोई उसमें अपने चुनाव के लिए व्यक्तिगत विचार को लेकर खड़े होते हैं तो उसमें 4.5 से 7% तक के जो वोट मिलते हैं वो जरूर कुछ चुनिंदा सीट पर हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक वट वृक्ष है, जो अविनाश राय खन्ना साहब प्रदेश प्रभारी ने कहा था, का मतलब ये है कि विचारधारा से बदलाव हो नहीं सकता, इस बार भी कुछ ऐसा कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा कि बागी यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं गणित, ऐसा आप मानते हैं कि इस बार नहीं देखने को मिलेगा? जिस हिसाब से बीजेपी मजबूत है, क्योंकि राजस्थान में ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ चुनिंदा 4.5-7% जनता को डिसाइड करना है, बाकी फिर भी राजस्थान की जनता इस बात को डिसाइड करती है। हरीश जी, विचारधारा के साथ कांग्रेस की बात करें, चलिए आप बिल्कुल दावा कर रहे हैं सरकार यहाँ पर बनेगी, लेकिन अगर पिछले परिणामों की बात करें, 21 में कांग्रेस सिमट गई थी, कहीं ना कहीं बागियों का भी रोल था, टिकट सही वितरित नहीं हो पाती, नाराजगी में आते हैं, कांग्रेस के ही वोट कट जाते हैं, बीजेपी को फायदा? जी, मैं ये बात मानता हूँ कि पिछली बार जो मोदी लहर थी उसमें हमारा कहीं ना कहीं जो है मान सम्मान गड़बड़ाया, और जनता एक बहुत ज़्यादा अति विश्वास के कारण मोदी के नाम से जन समर्थन मिला, और कई राज्यों में, लोकसभा के चुनाव बाद में थे 6 महीने बाद, और राज्यों में भी इसकी जो असर और लहर का फायदा मिला और राज्य में सरकारें गठित हुई। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा नोटबंदी, GST और जो जुमलेबाजी इन लोगों ने की है, उसका जो परिणाम रहा वो श्वेता मैं आपको बता रहा हूँ, आई विल ट्रूथ, वो ये रहा कि उपचुनाव में हम अच्छे बहुमत से हम जीते। अब बाई इलेक्शन अभी हाल ही में आप देखिए, उपचुनाव में जीत हुई तो इसलिए निश्चिंत है आपकी जनता आपके साथ है। मनीष जी, उपचुनाव के परिणामों का असर विधानसभा में बड़े स्तर पर नजर आएगा, ऐसा कहना है हरीश जी का? मैंने कहा कि वो जो उपचुनाव के जो माइंड सेट होता है वोटर का, वो अलग होता है श्वेता, ये बात साबित हो चुकी है, और उसके परिणाम विपरीत दिखाई देते हैं। कुछ आक्रोश का प्रकटीकरण अगर हो जाता है तो उसका लाभ भी उसी पार्टी को मिलता है। अलग कैसे? अगर नाराजगी है तो फिर उस सरकार को वापस क्यों आने देगी जनता? अगर नाराजगी है तो अगर सिर्फ 3 विधानसभा, क्योंकि उपचुनाव 3 जगह ही हुए थे, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा, उसमें एक तो मुख्यमंत्री बदलने वाले नहीं है ना, उसमें कोई सरकार जाने वाली है, अल्टीमेटली कोई गुस्से का इजहार कोई व्यक्तिगत कैंडिडेट के नाम पे या कर सकते हैं तो करते हैं, लेकिन बड़ी बात आप देखिए, कांग्रेस उपचुनाव की पार्टी बनकर रह गई। जहां कांग्रेस चुनाव जीती वहां पर भी 21 स्टेट्स में वहां उनका सूपड़ा साफ हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई, तो इससे तो यही जाहिर हुआ कि अगर आम चुनाव की बात होगी, मुख्य चुनाव की बात होगी, तो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वहां सरकार बननी है, और जहां सरकार नहीं बननी है वहां पे अपने आक्रोश का प्रकटीकरण छोटी मोटी बातें करके वो जनता करती है, वो भी मैं समझता हूँ व्यक्तिगत कारण वहां ज्यादा होते हैं। मनीष, ऐसा ना हो कि इसी गलत फहमी में रह जाए और फायदा कांग्रेस को यहाँ पर मिल जाए। हरीश जी, चलिए 96 याद होगा आपको भी कांग्रेस के परिणाम भी, 96 सीटों में एक वक्त ऐसा भी था दावे बहुत किए गए थे और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे यहाँ पर कि सरकार लौट रही है, लेकिन 96 सीटों में सिमटना पड़ा और फिर निर्दलीय बसपा का साथ लेना पड़ा यहाँ पर, तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि अभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं कि जनता साथ है और खुद अपने ही घर के लिए, क्योंकि कहा जाता है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, बीजेपी नहीं। जी, मेरा ये कहना है, देखिए, और कांग्रेस को कांग्रेस ही हराते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन अब की बार जो हम जिस प्रकार से टिकट जो बांट रहे हैं वो एक अलग, जैसे सर्वे है इंडिपेंडेंट जो पार्टी ने अपने स्तर पे सर्वे किया, पहले ब्लॉक लेवल के, चलिए वो आपके लेवल पे ठीक है, चलिए आपने बताया सर्वे करने वाला, लेकिन दूसरा उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, कोई बागी नहीं होगा, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। आपका सर्वे कुछ कह रहा हो, लेकिन अगर इनको लग रहा है एक कैंडिडेट किसी को कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, आप नहीं दोगे तो मैं बागी होकर लड़ूंगा, कैसे रोकोगे आप? श्वेता मैम, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, बेशक हम मानते हैं हमें सत्ता हासिल करनी है तो हम पूरी जो है मनोबल करेंगे, हमारे जो अगर कोई बागी कहीं पर निकल कर आएगा तो उसको समझाएंगे, क्योंकि हमें सत्ता हासिल करनी है। विकास जी, बीजेपी में भी ऐसे ही होगा? बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और एक बहुत बड़ा संगठित दल है, जहाँ पर एक विचारधारा के अनुरूप एक पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है वो इस बात को डिसाइड करे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कहीं आपको इस तरह की ज्यादा विवाद नहीं दिखा जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में प्रभाव रखते हैं जसवंत सिंह और उनके बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 22 तारीख को वो निकालेंगे स्वाभिमान रैली। मान मनोवल चल रहा है लेकिन नहीं मान रहे, वो उन्हें मनाने में असफल हो रही है बीजेपी के दिग्गज नेता भी। ऐसे में आप कैसे कह सकते, एक बड़ा नाम है, वर्चस्व है इनका, उस इलाके में नुकसान होगा बीजेपी को?
नहीं, उसमें भी आप देखेंगे श्वेता, बीजेपी की तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया है। हम पूरे सर्वस्पर्शी पार्टी है, सब लोगों को साथ लेके चलती है। जो बीजेपी का नेता है वो भी अगर मतभेद हो सकता है, किंतु मनभेद नहीं होना चाहिए, ये मूल मंत्र है। और ऐसी दशा में मानविंदर सिंह जी भी इस विषय पर आगे पीछा विचार करेंगे निश्चित तौर पर। क्षेत्रीय आस्पेक्ट पर कुछ भी करें, आपने देखा है जब जसवंत सिंह साहब चुनाव लड़े उस समय वो जीत ना सके और भाजपा जीती, तो बड़ी बात ये भी है कि उस चुनाव परिणाम की जब विचार कोई करता है तो उस समय वो सही निर्णय ले सकता है, केवल एक्शन करना है इसलिए करना है वो अलग बात। एक बात बताइए, अगर बीजेपी में सब कुछ ठीक है, हालांकि कहा जाता है कि गतिरोध कांग्रेस में है, लड़ाई कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी में सब एक साथ है, ऐसी क्या नाराजगी कि मानवेंद्र सिंह स्वाभिमान रैली निकाल रहे, राजस्थान गौरव यात्रा तो निकल ही रही है? नहीं, ये तो वही बता सकते हैं वो क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि क्षेत्रीय प्रभाव की बात है। 200 विधायकों में से एक विधायक वो हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कोई दुराव छिपाव नहीं किया है, सारी बातों में साथ लेकर चले हैं, पूरे समय पर बीजेपी का एस्पेक्ट उनके साथ रहा है, तो ऐसी कोई कारण बनता नहीं है। मुझे भी लगता है कि समय अभी बाकी है और उस दौरान सब कुछ ठीक होगा। चलिए, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि जो पहले हो चुका है वो दोबारा हो सकता है, दोहराया जा सकता है? अगर झुंझुनू की मंडावा सीट की बात कर लें, कांग्रेस की बात करें, डॉक्टर चंद्रभान वहां से लड़ने के लिए आ गए, रीता कुमारी वहां से बागी हो गई है, टिकट कट गए कांग्रेस के, वापस चंद्रभान जी की जमानत तक जब्त हो गई, और इधर बीजेपी की बात कर ले तो नरेंद्र खीचड़ यहां पर आ गए थे, बागी होके लड़े, निर्दलीय चुनाव जीत गए। तो ये आपस में ऐसा नहीं लग रहा कि अगर सही कैंडिडेट चुन लिया जाए तो शायद ये सिचुएशन, ये स्थिति नहीं आ सकती है? नहीं, सही तो करते ही हैं, वो तो बोनाफाइड पूरा प्रयास होता है कि सबसे श्रेष्ठ कैंडिडेट को उतारा जाए जो चुनाव जीते वो, और दूसरी बात जिसका क्षेत्र में प्रभाव हो, जिसका लाभ मिले, ये बात तो होती है। ऐसा कैसे हो जाता है अगर ऐसा ये सोचकर कर रहे होते तो फिर निर्दलीय जो बागी होकर आते हैं, निर्दलीय जीते वो कैसे जीत जाते हैं? वो मैंने आपको कहा कि चुनाव जो समीकरण के होते हैं उस समय चुनावी गणित कुछ होती है कि नहीं, समर्थक उनका मिल जाता है, कह रहे हैं कि यही बागी जो गणित बिगाड़ देते हैं। मनीष जी, नहीं पक्की बात है, मैंने आपको कहा, लेकिन बीजेपी जब चुनाव हारी थी श्वेता, उस समय भी 79 सीट बीजेपी ने जीती, तो ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। और अब तो हम 51,000 बूथ अध्यक्षों के साथ मैदान में हैं, उनके 20 पन्ना प्रमुख साथ है, कुल 10 लाख लोगों की टोली बीजेपी में चुनाव लड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा फर्क इस चीज का पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा विचारधारा का वोट है या हमारा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन का वोट है वो सब इकट्ठा एक तरफ पड़ेगा, सब मिशन और मुहिम के रूप में पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर इस बार निर्दलीयों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। चलिए विकास जी, जिस तरह से अभी चर्चा में एक बात भी सामने आई कि यहाँ पर कैंडिडेट कोई भी हो पार्टी मायने रखती है, लेकिन कई बार होता है कि कैंडिडेट को देखकर ही जनता जाती है कि अगर ये है हमारा प्रतिनिधि, हम इसे चुन रहे हैं और हमें यही चाहिए, फिर वो निर्दलीय लड़े, और यही वजह है कि कई बार निर्दलीय जीतते हैं। श्वेता जी, इसी बात में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और कमल के चिन्ह को देख के वोट दें, इस विचारधारा को वोट दे रहे हैं, इस संगठन को वोट दे रहे हैं। और जो बात रही कि आज 11 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है विश्व की भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से अगर किसी बागी की बात नहीं कर रहे, कोई दागी नेता को खड़ा कर दे तो भी उसको वोट दें? देखो, क्योंकि ये तो बहुत देखने को मिलता है कि कितने दागी नेता होते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वर्चस्व है, पहुंच है, तो टिकट दे दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है श्वेता जी, जो आप जो कहना चाह रहे हो कि दागी की, आप निरंतर देखे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने आते ही दागी वाले जो मामले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी नई कोर्टें इसके लिए कि इसका निस्तारण हो, जो भी प्रकरण है या लंबित है किसी भी कारण से उस पर न्याय हो। तो आप कहीं भी केंद्र सरकार की मंशा नहीं है कि दागी को या किसी को इस तरह से टिकट दिया जाए, उनकी पूरी समीक्षा करके उनके हर पहलू पे और जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक बोर्ड जो डिसाइड करे उसी अनुरूप जो टिकट दिए जा रहे हैं। और आप एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहेंगे कि जब पार्टी विचारधारा से जुड़ी हुई है तो वो सर्वसम्मति से और सबको साथ लेकर चलने वाली, सबका साथ सबका विकास की जो भावना पार्टी रखती है, तो उसमें टिकट की जो बात है और या किसी तरह के चुनाव संदर्भित है, तो पार्टी एक परिवार की तरह से कार्य करती है। तो ये जो इशू है इसको आप अब देखेंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपना वर्चस्व बढ़ाई जा रही है, जनादेश मिलता जा रहा है। मनीष जी, जिस तरह से कांग्रेस तो एकदम कॉन्फिडेंट है और जिस तरह से लहर की बात की जा रही है कि उस वक्त चुनाव इसलिए सब जीते और बीजेपी की सीट ज्यादा है क्योंकि वो मोदी की लहर थी, अभी मोदी की लहर को दरकिनार कर रही है कांग्रेस, कहना यही है कि सत्ता में वापसी बीजेपी की नहीं, अब इस बार कांग्रेस आएगी। नहीं, लेकिन ये लेकिन क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि आपके घर के लोग ही गणित बिगाड़ सकते हैं? और इसलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि बागियों की बात अभी से इसलिए की जा रही है, हालांकि आपका कहना था जल्दबाजी है, लेकिन समय रहते ही अगर सचेत हो जाया जाए तो लाभ ही होगा।
नहीं, बड़ी बात श्वेता ये भी है कि सबसे ज्यादा निर्दलीय लोग या जो लोग चुनाव जीते वो दो तीन लोग भाजपा के थे, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा थे, फिर भी बीजेपी को 163 सीटें मिली। तो अगर आप लेकिन वो मोदी लहर की बात थी। अच्छा ठीक है, अभी छात्र संघ चुनाव के ही परिणाम देख लेते हैं। देखिए ठीक है, अलग अलग हम रख रहे, कोई विधानसभा चुनाव से हम बिल्कुल उसकी बराबरी पर नहीं ला सकते, लेकिन असर जरूर पड़ता है। युवा है, 18 साल की उम्र की बात करें तो करीब 18 लाख युवा यहाँ पर है, 18 से 24 साल की बात करें तो 60 लाख करीब युवा, एक बड़ा एक समूह है, इसे कह सकते हैं लाखों वोट हैं। ऐसे में अगर युवा ही चला जाता है, आप कह रहे हैं पार्टी के साथ ना जाके कैंडिडेट के साथ चला जाए, आपको नहीं लगता कि असर पड़ेगा इसका? जो अगर आप इसको 200 में डिवाइड करते हैं तो वो बहुत माइनर संख्या होती है, एक बात। लेकिन हार के लिए एक वोट भी बहुत है, सीपी जोशी साहब जानते हैं, एक वोट भी बहुत है। मैंने यही कहा, अपवाद की बात में नहीं कहूंगा, पर इन टोटल देश में युवा मोदी जी को आशा की दृष्टि से देख रहा है, चाहे लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे आईटी सेल की बात हो, चाहे इसका टेक्निक्स की बात हो। हरीश जी अभी भी नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं सब जी, जी, जनता, मैं, जिस तरह मैं, से मनीष जी का कहना है। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि मोदी जी को आसान भी दृष्टि से युवा देख रहा है। जिस प्रकार से अभी भारत बंद का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया और आप लोगों ने दबाव में आके पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, और आज जो हालात है, अमित शाह जी ने आपको पता है मीडिया के सामने कहा था कि साहब 15 लाख खाते पे जो मामला था, आपने जो जुमला, तो उन्होंने खुद ने कहा कि साहब ये तो चुनावी जुमला था हमारा, तो फिर आपने अपने मैनिफेस्टो में जो बात बिल्कुल नहीं मिली, 2 करोड़ सालाना 2 करोड़ नोट कह रही है विकास जी, सीएम तो कह रही है कि नौकरी दे रहे हैं, और ये तो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ जुमले थे। देखिए यादव साहब ने जो दोनों बात कही, पेट्रोल डीजल की जो दाम कम करने की बात भी है, तो पूर्व में केंद्र सरकार ने इस बात को कह चुके थे कि राज्य सरकारें अपना वेट कम करें, ये इस तरह की 2-3 बार सूचना दे दी गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता अपनाते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। ये तो मुद्दा दूसरे हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बगावती तेवर जिस तरह से देखने को मिलते हैं, फिर वो बीजेपी और कांग्रेस हो, उनको अभी समय रहते रोका जा सकता है, और क्या इसके लिए कोई रणनीति बनाई जा रही है, ये भी एक बड़ी अहम बात हो जाती है। बहरहाल वक्त यहाँ पर खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ पर बागी बिगाड़ सकते हैं, गणित गड़बड़ा सकता है सत्ता का समीकरण, लेकिन हालांकि अभी इनका ये मानना नहीं है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो वहां पर तो शुरुआत भी कर ली गई है कि एक शपथ पत्र वचन पत्र भराया जा रहा है, ताकि अगर किसी भी कैंडिडेट को मिलती है यहां पर टिकट तो दूसरे जो है उसके विरोध में नहीं जाएंगे, उसका साथ देंगे। अब देखना होगा कि क्या इस तरह की कोई रणनीति राजस्थान में भी अपनाई जाती है या फिर नहीं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.